नमस्कार, मैं आचार्य सुमित शास्त्री। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य सुमित शास्त्री आपका स्वागत करता हूँ। आज के मॉडर्न टाइम ऐसी अनेकों समस्या हैं जी, इन समस्याओं से बहनों, माताओं, भाइयों जूझते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, चिंताएं में रहते हैं। जैसे उनकी संतान उनका कहना नहीं मानती है, या उनका धंधा नहीं चलता है, मेहनत करते हुए भी उसको सफलता नहीं मिलती है, लव ब्रेकअप हो गया है, वशीकरण का है, या डिवोर्स का है, या पति पत्नी के झगड़े हैं, ऐसे अनेकों समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम है, शत्रु हैरान करता है, तो आचार्य सुमेर शास्त्री जी से एक फोन कीजिए, घर बैठे अपनी समस्याओं का समाधान लीजिए। 100% दावे के साथ कहता हूँ, आपकी समस्या का समाधान 100% करके दूंगा। मित्रों आज मैं बताने जा रहा हूँ, जो मेरे भाई बहनों विदेश में रहते हैं, NRI है, जिनकी वहाँ अनेक समस्या है, उनके लिए स्पेशल मैं आज का मेरा वीडियो बताना चाहता हूँ। मेरा वीडियो जरूर देखे और घर बैठे समस्याओं का समाधान ले। सबसे पहले हम हमारी कुल देवी को आराधना भक्ति करेंगे। जैसे मैं महाकाली को मानता हूँ, तो महाकाली का एक दीपक जलाना है, आपको भी अपने कुल देवी का दीपक जलाना है और मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम महाकाली मम कार्य सफलानि कुरु कुरु स्वाहा। और उसके बाद भी कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो गणपति दादा को याद करते हैं, ओम गणपते नमः, ताकि हमारा कार्य जल्दी सफल हो जाए। आज मैं बताने जा रहा हूँ वशीकरण का प्रयोग। अगर आपकी प्रेमिका आपको धोखा दे दिया है, अगर आपका प्रेमी आपको धोखा दे दिया है, या पहले संबंध था अब संबंध नहीं, पुनः संबंध जोड़ना है, या अपनी पत्नी आपसे नाराज है, या आपका पति आपसे नाराज है, या आपकी संतान आपके कहने में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे वश में करना है, वो आज का मेरा वीडियो है। सबसे पहले आपको ऐसा एक कटा हुआ नारियल लेना है और इस नारियल में कंकु से नाम लिखना, जो आपका कहना नहीं मानता है, पति हो, पत्नी हो, लवर हो, प्रेमिका हो, अपनी संतान हो, उसका कुमकुम से नाम लिखना है। और इसके अंदर थोड़ी सी उसका नाम लेके काली अड़द डालना है और फिर काला तिल डालना है, क्योंकि वशीकरण करते हैं तो काली अड़द काला तिल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और उसके बाद में हम एक कोई भी कलर का पुष्प डालेंगे और मंत्र करेंगे, ओम ह्रीम क्लीम। अब उसका नाम लेना जो आपका कहना नहीं मानता है, अगर प्रेमिका धोखा दे दिया है, प्रेमी धोखा दे दिया है, पत्नी कहना नहीं मानती है, आपकी संतान कहना नहीं मानती है, आपकी संतान आपके विरुद्ध कार्य करती है, तो उसका नाम लेके मंत्र करना पड़ेगा, ओम ह्रीम क्लीम मम। मम के जगह उसका नाम वश्यामि कुरु कुरु स्वाहा, आजीवन वश्यामि कुरु कुरु स्वाहा, ऐसा मंत्र करके इसको दो फूंक मारना है। और उसके बाद भी आप एक ऐसा पीला नींबू लेना है, पीला नींबू लेके और उसके ऊपर भी नाम लिखना जो आपका कहना नहीं मानता है। और उसके बाद में एक ऐसी लोहे की खिली लेके इसके अंदर हम पार कर देंगे और इसके ऊपर भी मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीम क्लीम मम। मम यानी उसका नाम लेना, कहना नहीं मानता है, मम कार्य वश्यामि कुरु कुरु स्वाहा, आजीवन वश्यामि कुरु कुरु स्वाहा, ऐसे आपको मंत्र करना है। मंत्र करने के बाद में इस नींबू को चार रास्ते पे छोड़ देना है, उसका नाम लेके और जो हमने इस नारियल के ऊपर वशीकरण का प्रयोग किया है, इसको कहीं सेक्रेट जगह हो, गुप्त जगह हो, यहाँ पे इसको जला देना है। जलाने के बाद में जो इसकी राख होती है, वो राख अपने प्रेमी प्रेमिका, अपनी संतान या अपनी औरत को पिला दो। मैं दावे के साथ कहता हूँ, 7 घंटे के अंदर अंदर आपके वश में हो जाएगी, आपकी संतान कहना मानेगी, आपका पति कहना मानेगा, आपकी पत्नी कहना मानेगी, आपके प्रेमी प्रेमिका धोखा दिया है तो पीछे पीछे भागे दौड़ा चला आएगा। तो ऐसी अनेकों समस्या है, जैसे आपके लॉटरी का हो, लॉटरी टिकट हो, वीजा प्रॉब्लम हो, और आपके ग्रीन कार्ड का हो, या मोटर स्टोर चलता नहीं हो, बिजनेस नहीं चलता हो, तो आचार्य सुमेर शास्त्री जी से संपर्क कीजिए और विदेश में बैठे हुए घर बैठे मेरी सेवाओं का लाभ ले चुके हैं, हजारों भाई बहनों मेरी सेवाओं का लाभ ले चुके हैं।